न्यायालय की लापरवाही से गणित और समाज शास्त्र का पेपर हुआ लीक। आक्रोशित छात्रों ने जमकर काटा बवाल। 6,000 छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों से हुए मायूस वापस। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। डीएम ने कहा, जमीनी विवाद का श्रावस्ती मॉडल से होगा निस्तारण। संतोष साहनी के हत्यारोपी टिंकू पासवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने किया खुलासा। अब यूपी में भी लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। 3 स्कूलों में लगाए गए सब्सिडी रेट पे किताबों के कैंप। उच्च गुणवत्ता के साथ होगी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई। भाई की हत्या का आरोपी 15,000 का इनामी। वांछित अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। सीओ खजली ने किया खुलासा। जल जमाव की समस्या से परेशान थोक दवा विक्रेताओं का टूटा शब्द। किया सड़क जाम। सरकार ने डाली मदरसा बोर्ड परीक्षा में होने वाली नकल पर नकेल। परीक्षा में पहले ही 2 दिन में ही 30% परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। एसएसपी ने कहा, एक अपराधी हो गया है गिरफ्तार, बाकी की धरपकड़ है जारी। एमआईएम ने जम्मू और उन्नाव कांड के विरोध में किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे संपन्न होगी जिला सैनिक बंधु की बैठक। और याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। सपाइयों ने मनाया उनका 91वां जन्मदिन। किया श्रद्धा सुमन अर्पित।